और सूरह यूसुफ के मुतालिक कुरान कहता है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अल-कसस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात अल्लाह पाक के फजल व करम से खैर व आफियत में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा कुरान व हदीस की रोशनी में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सुनिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे लोगों तक पहुँचाए। सुनिए मुकम्मल बयान कुरान व हदीस की रोशनी में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से। और सूरह यूसुफ के मुतालिक कुरान कहता है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अल-कसस। कुरान में जो है 1/3 हिस्सा कुरान का वाकयात हैं पिछले उम्मतों के, 1/3 इसमें पिछली उम्मतों के वाकयात, पिछले नबियों के वाकयात इबरत के लिए बताए जाते हैं। लेकिन उन तमाम वाकयात में जितने भी कुरान ने बयान किए, कुरान कहता है सूरह यूसुफ के शुरू में, ऐ महबूब, हम आपको सबसे बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है सबसे बेहतरीन किस्सा किसका? यूसुफ अलैहिस्सलाम का। पूरी ज़िंदगी है उनकी इसमें, सूरह यूसुफ में, उनकी पैदाइश के वक्त से लेकर, यानी शुरू से उनके अहवाल से लेकर उनके अखीर उम्र तक के अहवाल इस सूरह में आ गए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जिनको इसराइल कहा गया है, जिनके नाम से आज इसराइल मुल्क भी बना हुआ है। इसराइल उनका नाम है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, और उन्हीं के बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के टोटल 12 बेटे हैं, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 11वें नंबर पर थे। 10 बेटे और थे, 11वें नंबर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जब याकूब अलैहिस्सलाम के 11वें नंबर पर पैदा हुए, इनका जमाल ऐसा था कि जो देखता पलकें झपकाना भूल जाए। खूबसूरती अल्लाह ने कमाल की दी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन से। और जब बाप का छोटा बेटा, वो अज़ीज़ भी होता है आम तौर पर, फितरत भी है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अखलाक में भी और सूरत में सीरत में बहुत आला थे, बाप के बहुत करीब रहने लगे। याकूब अलैहिस्सलाम हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चलते थे। तो एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब से ही ये सूरा शुरू हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ मेरे अजीज़ो, अल्लाह जिसको सबसे बेहतरीन किस्सा कह रहा है, ये किस्सा अपने बच्चों को सुनाना सबसे बेहतर है। कुरान का किस्सा, कुरान का वाकया। और कहाँ लोग आज चोर पुलिस की कहानियाँ, गुड्डे गुड़िया की कहानियाँ, और पता नहीं जल परी हुर परी की कहानियाँ, झूठ पर मबनी कहानियों से बच्चों की परवरिश में कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ, उनको सच्चे वाकयात जो अंबियाए कराम के हैं ये सुनाएं। इस्लामी तारीख यही रही है, सीरत भी याद हो जाएगी, तारीख भी याद हो जाएगी, और ईमान भी पुख्ता हो जाएगा। हर बाप अपने बच्चों को, या बड़ी उम्र के लोग जो घरों में हैं, वो जो कहानियाँ सुनाए करते थे बच्चों को, सबसे बेहतर है कि वो कुरान के इन वाकयात को सुनाएं। अल्लाह जिसको फरमा रहा है सबसे बेहतरीन किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में ख्वाब देखते हैं, और उस ख्वाब का जिक्र अपने बाप से करते हैं, इन्नी रअईतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअईतुहुम ली साजिदीन। कहते हैं, ए बा, अब्बा जान, मैंने रात में ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, 11 तारे और एक चांद और एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। कौन कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम। बाप याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जब उन्होंने हज़रत यूसुफ से बचपन में ही ये ख्वाब सुना, तो कहा, या बुनैया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, बेटा ये अपने भाइयों के सामने मत बोलना इस ख्वाब को, जो 10 भाई हैं तुम्हारे उनके सामने इस ख्वाब का जिक्र मत करना, वरना वो कुछ ना कुछ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाइयों में भी हसद आता है, हर ज़माने में रहा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया तो नहीं, लेकिन हसद ऑलरेडी उन भाइयों के दिलों में आ ही गया था कि हमारे बाप सबसे ज़्यादा इसी को चाहते हैं, यूसुफ को चाहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सिर्फ एक छोटे से इलाके में नहीं, उनका बड़ा मकाम था, एक बड़ी उम्मत है उनकी पैरवी करती, बैतुल मुक़द्दस। याकूब अलैहिस्सलाम जहाँ आबाद रहे, फिलिस्तीन जहाँ है, तो भाइयों में ये हसद रहा।
रोज़ाना नए नए बयानात के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है यही अज़ीज़ हैं जो कहते हैं ना सज्जादा नशीनी की जंग दौड़ के बाप के बाद मैं बैठूंगा गद्दी पे, बाप के बाद मैं रहूंगा। 10 लोग एक तरफ हो गए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक तरफ। अब शैतान आया इन 10 को वसवसे डाला कि तुम यूसुफ़ का काम तमाम करो वरना तुम्हें बाप कभी चाहेंगे भी नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि क्या करें, आपस में बैठ करके मीटिंग किया, कहा कि यूसुफ़ को जो है मार डालते हैं। फिर एक भाई ने कहा मारो मत, जंगल में ले जाते हैं, कहीं जाकर किसी कुएं में डाल के आ जाएंगे। तो भाइयों ने ये मशवरा किया और उसके बाद कहा कि फिर उनको लेकर कैसे जाएं, अब्बा तो छोड़ेंगे नहीं उनको हमारे साथ। कहा हम मना लेंगे। आए यूसुफ़ अलैहि सलाम के मांग के लिए, मुतालबे के लिए हज़रत याकूब अलैहि सलाम के पास। सारे 10 आकर कहते हैं अब्बा जान हम जाना चाहते हैं सैर और तफरी के लिए, हम तो जा रहे हैं, हमारा छोटा भाई अगर सफ़र में नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, आप उसको हमारे साथ भेजें। अरसिल हो माना गदन यरता व यलअब, वो भी हमारे साथ खेलेगा तफरी करेगा। वह इन्ना लहू लहाफिज़ुन, और हम उसकी बहुत हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी लयहज़ुनुनी अन तधबू बिही व अखाफ़ु अन याकुलहु ज़िब्, मुझे डर है कि तुम कहीं उसको अकेला छोड़ दोगे जंगल में और कोई दरिंदा आकर उसे कुछ नुकसान पहुंचा दिया। तो भाइयों ने कहा अगर ऐसा हुआ कि हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर हम पर लानत है, हम कैसे भाई होंगे, हम यूसुफ़ की पूरी हिफाजत करेंगे। जब यकीन दिलाया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेज दिया वालिद गिरामी ने, लेकर के प्लान के मुताबिक आए जंगल में। और आने के बाद थोड़ी देर खेलने के बाद 10 ने मिल करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल में मौजूद एक कुएँ में ढकेल दिया। बहुत पुराना कुआँ था, जहरीले सांप उस कुएँ के अंदर मौजूद थे। इन्होंने ढकेल तो दिया लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ कि फौरन जिब्राइल अमीन आए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़ कर कुएँ में एक जगह बिठा दिया और जितने मूजी जानवर थे सबको हुक्म हो गया कि तुम्हें ये ईज़ा देने के लिए नहीं, ये अल्लाह के नबी हैं, इनकी हिफाजत करो। कोई एक सांप ने भी टच नहीं किया। हाँ, मूजी जानवर अल्लाह के नबियों को ईज़ा नहीं देते। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो नबुवत मिली वो उसी कुएँ में मिली। छोटी उम्र में जिन लोगों को नबुवत दी गई है वो 3 नबियों का जिक्र आता है, एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कुएँ में उनको नबुवत मिली, दूसरे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बचपन में ही, और तीसरे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी बनकर क्या है। यानी ये ज़ाहिरी दुनिया में जो कम उम्र में जिनकी नबुवत हुई, वरना नबुवत के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी की नबुवत नहीं। हाँ, वो उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। अब कुएं में ढकेल दिया, वापस आकर के जंगल में प्लान करने लग गए कि अब क्या करेंगे। तो उन्होंने एक भेड़िए को पकड़ करके उसको काट दिया, काट कर उसका खून, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जुब्बा निकाल कर उसको खून लगा दिया जगह जगह। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ढकेलने से पहले उनका जुब्बा उतार लिया होगा, उसको खून लगा दिया और उसके बाद रात को रोते धोते अपने घर आए अपने बाप के पास। वजाउ अला कमीसिहि बिदमिन कदीब, झूठे खून के साथ आए बाप के पास और फिर रोने लगे। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना व नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब, अब्बा जान हम खेल रहे थे, हमारे सामान के पास यूसुफ़ को बिठाए थे हम और हम खेल में मसरूफ़ थे, अचानक एक भेड़िया आया और यूसुफ़ को खा गया, ले चला गया। आपको यकीन नहीं आएगा, वमा अंत बिमुमिन लना, आप हम पर यकीन नहीं करेंगे, हमें पता है, लेकिन देखिए ये हम जुब्बा ले आए हैं। वह जाऊ अला कमीसी ही भी दमिन कदीब, ये खून लगा हुआ उनका कमीस है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे मुझे पहले से मालूम था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा, वल्लाहुल मुस्तआन, अब अल्लाह ही मददगार है, फसबरुन जमील, सब्र सबसे बेहतर है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम उनके गम में बहुत रोए बहुत रोए, अपने बेटे की याद में रोते रोते उनकी आंखें चली गईं, बीनाई ख़त्म हुई याकूब अलैहिस्सलाम की। अब इन्होंने जो काम किया सिर्फ हसद के मारे किया, अपने भाई को कुएं में डाल दिया। याद रखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन हफर अली अखी ही हफर अल्लाह लहु, जो अपने भाई के लिए कुआं खोदता है अल्लाह उसके लिए कुआं खोदता है। हाँ, ये सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ ही नहीं हुआ, आज भी ये फार्मूला है। अगर आप किसी के लिए गड़ा खोद रहे हैं
अल्लाह आपके लिए कोई गड़ा तैयार फरमाएगा जिसमें तुम भी जाके गिरोगे। किसी मुसलमान को फंसाने की कोशिश करना ये गड़ा खोदना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी मुसलमान को कहीं गिराने की कोशिश करना ये उसके लिए गड़ा खोदने की तरह है। ये फार्मूला आज भी चलेगा और कयामत तक चलेगा कि जो अपने भाई के लिए गड़ा खोदता है अल्लाह उसके लिए गड़ा तैयार फरमाता है। अब ये आए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये काम किसके लिए किए थे, किस लिए किए थे कि यूसुफ हट जाएगा तो हम बाप के करीब हो जाएंगे। उल्टा हो गया, याकूब अलैहिस्सलाम ने इन दसों को दूर कर दिया, कहा कि तुम मेरे करीब भी मत आना आज के बाद। काम किसके लिए किए थे, करीब होने के लिए, लेकिन उल्टी चाल, ये चाल उल्टी पड़ गई। याकूब अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए उनको दूर कर दिए, तुम दूर हो जाओ सबके सब। अब ये मामला चलता रहा। अब कुरान में अल्लाह फरमाता है एक काफिला गुजर रहा था उस जंगल से, उस काफिले ने वहाँ पड़ाव किया था। तो काफिला ये मिस्र जा रहा था, काफिले में से किसी ने पानी लाने के लिए कुआं तलाशा और कुआं करीब में था, डोल डाला। तो डोल डालते ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल को पकड़ करके ऊपर आ गए, कुएं के ऊपर आ गए। अल्लाह ताला जिसको जहाँ चाहे महफूज रखे, जहाँ चाहे ले जाए। मैं आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाकया बताता हूँ, उनका सफ़र देखें कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। हासिदीन के शिकार होते रहे, लेकिन सफ़र बड़ा लंबा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उसके बाद उस काफिले वालों ने जब देखा हसीन और जमील खूबसूरत बच्चा हमारे पास आया है, तो लेकर के काफिले के अमीर के पास लाए, कहा कि ये तो फरिश्ता मालूम होता है। जाहिर सी बात है वो हुस्न और जमाल उनका ऐसा था कि कोई इंसान उनकी तरह दिखता नहीं था, बहुत हसीन और जमील। कहा ये फरिश्ता मालूम होता है, काफिले वालों ने साथ ले लिया। और जब वो रास्ते से चलते तो जहाँ से चलते लोग उनको देखने के लिए भीड़ लगाते। जब मिस्र पहुँचे तो काफिले के अमीर ने सोचा कि मुफ्त में क्यों दिखाऊं, पैसे लेकर के दिखाऊंगा। उसने रेट लगाया, रोज़ाना जिसको भी देखना है यूसुफ को एक दिरहम देगा और देख करके जाए। दोपहर के बाद 10 दिरहम लेने लगा, शाम के बाद 100 दिरहम लेने लगा। कमाया, खूब कमाया, किसको, सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखा दिखा कर। मिस्र के बाज़ार में यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखने के लिए लोगों की भीड़ थी। जब खबर फैल गई, बड़े बड़े अमीर भी वहाँ आए। अब लोगों में दूसरे दिन उनके बेचने की बात शुरू हो गई, बोली लगा दिया उसने काफिले के अमीर ने कि जिसको ख़रीदना है मेरे पास से इसको ख़रीदे। बड़े बड़े पैसे वाले ये चाहते थे कि ये ख़रीद करके इस नौजवान को हम अपने पास रख लें। और अजीज़ मिस्र, उस वक्त जो मिस्र का हाकिम था उसको अजीज़ मिस्र कहा जाता है, उसकी बीवी जुलेखा, तारीख़ में उनका नाम मौजूद है, अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा, ये देखते ही इस कदर फिदा हो गई कि ये नौजवान को लेकर के चलें। अजीज़ मिस्र ने बहुत बड़ी कीमत दे करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया अपनी बीवी की वजह से, लेकर के आया अपने घर पर रखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र देखें कहाँ से शुरू हुआ है, उनके घर से, उनके बाप के घर से, उनके भाइयों के हसद के शिकार हुए हैं और काफिले वहाँ जा करके कुएँ में गिरा दिए गए, कुएँ से निकाले गए, काफिले के हाथ चढ़ गए, काफिले में आए बाज़ार में बिक गए, बाज़ार से आए अजीज़ मिस्र के घर में पहुँच गए। अजीज़ मिस्र के घर में आए तो एक बात फैल गई शहर में कि जुलेखा जो है एक नौजवान की आशिक हो गई है, फिदा हो गई। ये बातें औरतों में बहुत फैलने लगीं। तो जुलेखा ने क्या किया कि इन औरतों ने देखा नहीं यूसुफ को, इसलिए इस तरह की बातें बना रही हैं। सब औरतों को एक दिन दावत में बुलाया और कहा आ जाओ मैं तुम्हें यूसुफ दिखाती हूँ। लेकिन सबको जमा करके सबके हाथों में एक लीमू और एक चाकू दी तेज़ कि जब मैं कहूँ तो काट देना। तो फिर सब औरतों के हाथ में, जब इस शहर की सब रईस औरतें बैठी थीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छे लिबास के साथ सजा करके जुलेखा ले आती है। औरतें उन्हें देखने में मसरूफ़ हैं। हुक्म हुआ जुलेखा का कि लीमू काट दें। औरतें देखते देखते ऐसी माह हो गई कि उनके हाथों से लीमू गिर गया और चारों उंगलियाँ कट गईं। तेज़ चाकू थी, सबकी उंगलियाँ कट गई। पता ये चला कि इंसान कभी इतना मदहोश होता है कि उसको कटने का एहसास नहीं होता। इसीलिए इमाम आज़म ने फरमाया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखते हुए औरतों की उंगलियां कट गईं, उन्हें पता नहीं चला। इंशाअल्लाह मौत के वक्त हम जमाले मुस्तफ़ा देख रहे होंगे और हमें रूह निकालने का दर्द नहीं होगा। इज़राइल रूह निकाल रहे होंगे और सामने चेहरे मुस्तफ़ा होगा। यूसुफ का हुस्न देख कर कटी हुई उंगलियों का दर्द नहीं होता तो जमाले मोहम्मद देख कर रूह निकलने का भी दर्द नहीं होगा। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। आला हज़रत ने फरमाया उंगलियां कट गईं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम गए
तो देखती हैं, फलम्मा समियात बिमकरिहिन्न, यहाँ से आयतें हैं, कत्तअना अयदियहुन्ना, अल्लाह फरमाता है वो सब तो अपने हाथ काट ली, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि लीमू तो नहीं कटा, उंगलियां कट गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब ये काटी नहीं है, ये क्या हुआ है, कटी है, काटना और होता है, कट जाना और होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक हुजूर को देख करके नहीं बल्कि सिर्फ हुजूर के नाम पर अपनी उंगलियां नहीं बल्कि गर्दन भी कटा देते हैं। हाँ, अदीब लायलपुरी ने बहुत अच्छे अंदाज में फरमाया, जो उनकी एक तवील बहर वाली नात है, इश्क के रंग में जब रंग जाएं अफकार, उसमें उन्होंने कहा, एक शहनशाह ने बख्शे हैं समरकंद और बुखारा किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर है सैयद आली तेरी नामों से तेरी आजमत पर। यानी बादशाह था, समरकंद और बुखारा जो है दो शहर हैं, ये आज उज़्बेकिस्तान में हैं, समरकंद और बुखारा, ये शहर जो है बादशाह ने अपनी महबूबा को गिफ्ट में दिए थे, दो शहर दे दिए थे गिफ्ट में, क्यों, उसकी महबूबा के रुखसार पर गाल पर एक तिल एक निशान था, और वो बादशाह को बड़ा पसंद था, वो तिल के निशान पर उसने दो शहर कुर्बान किए, गिफ्ट में दे दिए। तो शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, एक शहनशाह ने बख्शे हैं समरकंद और बुखारा किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामों से तेरी अजमत पर, एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूचे और बाजार में, सर अपना लिए करने को निसार, एक नहीं लाखों हैं हर कूचे हर बाजार में, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान फिदा करने को तैयार हैं। बहरहाल सूरह यूसुफ में हम अलग ना जाएं, लेकिन मजा हमारा उस वक्त तक कंप्लीट ना हो जब नाम मुस्तफ़ा ना आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र तो होगा ही, इसीलिए अल्लामा नज़मी ने फरमाया, आगाज से अखीर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ रहते रहे अजीज मिस्र के घर, लेकिन हुआ ये कि एक दिन जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे साथ ये गलत करना चाह रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी कभी किसी भी गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। मशहूर कौल है, कहा गया है, नबी के दामन में पैवंद तो हो सकता है धब्बा नहीं होता, पैवंद तो हो सकता है लेकिन धब्बा नहीं हो सकता, गुनाहों का धब्बा नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब ये इल्ज़ाम लगाया जुलेखा ने, तो अजीज़ मिस्र ने जेल में डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को बग़ैर किसी तहकीक के। वहाँ पर उन लोगों को न जाने कौन सी बात थी, बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कितने दिन रहे पता है, यहाँ तो बड़े से बड़ा कलम जब लग जाता है तब भी जो है बेल हो जाती है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 साल पहले रहे, ये तो यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा है, उसके बाद फिर 7 साल बढ़ा दिए गए, 14 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। 14 साल, किसी की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजर जाए, वो भी बग़ैर किसी जुर्म के। मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे हमारे नौजवान जेलों में कैद हैं, मैं उनसे कहता हूँ, हमारे तो गुनाह हैं, हमारी तो खताएं हैं, अगर हम जेलों में बंद हो जाएं बैठ जाएं तो सब्र कर लेना चाहिए। उस नबी को देख करके जिसका दामन पूरा पाक था फिर भी 14 साल जेल के अंदर बैठे रहे, और अल्लाह करीम कहाँ से कहाँ तक ले जाता है तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं। जेल तक पहुँच गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, बाप की निगरानी से निकल करके भाइयों के हाथ, भाइयों के हाथों से कुएं में, कुएं से निकल करके काफिले के हाथ, काफिले से आकर बाजार में, बाजार से आकर अजीज़ मिस्र के घर में, अजीज़ मिस्र के घर से निकल कर फिर जेल में, जेल में 14 साल गुजरे। वहाँ दो कैदी और भी थे, उन्होंने ख्वाब देखे, यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है, ख्वाबों की ताबीर बयान करते थे, सच्ची सच्ची ताबीर। तो वो दोनों कैदी जो है उन्होंने एक बार ख्वाब देखा, उस ख्वाब का भी जिक्र कुरान में आया है, वकाल अल आखर इन्नी अरानी आसिरु खमरा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه। दोनों ने ख्वाब देखा था, एक ने देखा मैं अंगूर का रस निचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने देखा मैं एक थाल में कोई चीज़ लेकर जा रहा हूँ, परिंदे रोटी जो है नोच नोच कर खा रहे हैं, इनकी क्या ताबीर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
मैं ताबीर बताऊंगा, मेरा एक काम करना है। अब 14 साल के बाद अजीज़े मिस्र बदल गया था, बादशाह मिस्र ख़त्म हो गया, वो पहले वाला जो जुलेखा का शोहर था ख़त्म हो गया, दूसरा अजीज़े मिस्र था उस वक्त जो था मिस्र का बादशाह। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले कहा मैं ताबीर बताऊँगा, इनमें से एक आदमी रिहा होने वाला है, आज़ाद होने वाला है, लेकिन वो जा कर के बादशाह के पास मेरा पैगाम पहुँचा दे। नहीं, ये वाकया जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जेल में जब 7 साल गुजरे तब का। आपने ताबीर में बताया जिसके सर के ऊपर से रोटियां खा रहे थे परिंदे उसको मौत की सज़ा होने वाली है, और जिसके ख्वाब में तूने देखा कि अंगूर का रस निचोड़ रहा है अनकरीब तुझे आज़ादी का परवाना मिलने वाला है। थोड़े ही दिन के बाद हुक्म आया जेल का यही कि इनमें से एक आदमी को फांसी की सज़ा है और दूसरे को जो है रिहाई मिल गई। जो आज़ाद हुआ वो चला गया, लेकिन जाने के बाद भूल गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम वहाँ बादशाह मिस्र तक पहुँचाया भी नहीं कि एक कैदी अंदर बगैर किसी जुर्म के कैद है, नहीं बताया। 7 साल फिर गुजर गए। अब जो बादशाह मिस्र था उसने खुद ख्वाब देखा, वो भी ख्वाब का जिक्र इस सूरे में मौजूद है। وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف, बादशाह ने ख्वाब में ये देखा कि 7 मोटी ताज़ी भैंसें हैं ख्वाब में, और 7 सूखी भैंसें हैं, और 7 हरी घास के ओट और 7 सूखी हुई घास के ओट, और उसे कुछ समझ में नहीं आए क्या चीज़ें। सुबह उठ करके नजूमियों से पूछने लगा इस ख्वाब की ताबीर क्या है। नजूमी जो ज्योतिष होते हैं वो आटकल पच्छू मारते रहते हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बोलता। हाँ, आज हमारे भी लोग सुबह उठ करके राशि देखने पर बैठे रहते हैं, और बहुत सारे चैनल तो यही चला भी रहे हैं कि उनको रोज़ाना वो बताना रहता है आज शनि यहाँ देख रहा है, आज शनि वहाँ देख रहा है, और उनको खुद पता नहीं उनका शनि कहाँ देख रहा है। और बहुत सारे लोग इस पर ऐसा बिलीव करके चलते हैं। हाँ, मैंने देखा एक साहब रास्ते में आधा सफ़र करके वापस भाग रहे थे कार चलाते हुए, हमारी मुलाकात हुई, क्यों बाहर फिर वापस क्यों जा रहे हैं, कहा ये जो शर्ट है ना लाल शर्ट, मना किया गया आज लाल शर्ट मुझे नहीं पहनना है, हमारे गुरु ने आज मना किया इसलिए खोलने जा रहा हूँ। कहा होगा क्या, कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि आज तुम्हें ये कपड़ा नहीं पहनना है। ये तमाम चीज़ों पर चलते रहते हैं। ख्वाबों की ताबीर का इल्म ये अहले हक़ को अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और नबुवत का हिस्सा है ये ख्वाबों को, मोमिन के सच्चे ख्वाब। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, बादशाह ने जब ये ख्वाब बताया तो कोई नजूमी बता नहीं सका। उसके दरबार में वो जेल से छूटा हुआ कैदी मौजूद था जिसकी ख्वाब की ताबीर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताई थी 7 साल पहले। उसने कहा कि मैं कैदी एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जेल में जो नाहक कैद में है और वो ख्वाबों की सच्ची सच्ची ताबीर बताता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास बादशाह ने भेजा, जाओ उससे ख्वाबों की ताबीर पूछ के आओ। अफ्तिना फी सबई बकरातिन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जा कर के लोगों ने पूछा हमारे बादशाह ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे यहाँ से आज़ाद करो, मैं ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। बादशाह ने बड़े एजाज़ के साथ तलब किया, आपने बताया तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि अब तेरे मुल्क में 7 साल खुशहाली के आएंगे, बहुत गल्ला अनाज सब होगा, उसके अचानक 7 साल के बाद वाले जो 7 साल होंगे बहुत सूखा पड़ जाएगा, लोग कंगाल होंगे, मुफलिस हो जाएंगे, यहाँ तक कि उनका सारा सामान बिक जाएगा, लोग भी अपने आप को बेच देंगे, तो करूँ क्या। बादशाह ने पूछा, कहा कि 7 साल जो होंगे इन्हीं में ज़खीरा जमा कर लो कि अगले 7 साल जब सूखा पड़ेगा तो ये जमा शुदा माल तुम अपने रियाए पर ख़र्चा करोगे। बादशाह को ये ताबीर पसंद आई, और उसने देखा भी कि 7 साल इतनी खुशहालियाँ आईं, तो उसने सब जमा करना शुरू किया। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने आज़ाद करके अपने वज़ीरों में शामिल कर लिया, वज़ीरों में शामिल कर लिया। अब कहाँ से सफ़र कहाँ पहुँचा, अल्लाह फरमाता है वो कदाली का मक्कन्ना अली यूसुफ फिला, हमने यूसुफ को इसी तरह ज़मीन का करार अता किया, जेल से निकाल कर सीधा वज़ीर आज़म हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे। 7 साल के बाद जब सूखा पड़ गया हर जगह मिस्र में, ऐसा सूखा पड़ गया था कि लोग अपने आप को बेचने पर मजबूर हो गए थे, और जब बादशाह के यहाँ से गल्ला तकसीम हो रहा था रियाया को, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वो 10 भाई याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, जो ज़माना बीत गया उनके यहाँ भी मुफलिसी ऐसी आई, गुर्बत ऐसी आई, कहत, वो भी बादशाह के यहाँ गल्ला लेने के लिए आ गए। अब उस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वज़ीर आज़म हैं, बादशाह के यहाँ वज़ीर आज़म हैं,
भाई जब आ रहे थे, इत्तेफाक की बात यह है कि यूसुफ अलैहि सलाम के गम में जब याकूब अलैहि सलाम बहुत रोने लगे तो अल्लाह ने उनको एक और बेटा अता किया जिनका नाम बिन्यामीन था। बिन्यामीन, आज ये यहूदी वो नाम रखते हैं बिन्यामीन, वो बिन्यामीन है यूसुफ अलैहि सलाम के छोटे बेटे। और हज़रत याकूब अलैहि सलाम उस बेटे को अब बहुत ज़्यादा चाहते थे। ये बात हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम को मालूम थी कि मेरे बाद मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, उसको याकूब अलैहि सलाम अब दूर करते ही नहीं थे। अब ये 10 भाई आए थे जब बादशाह के यहाँ पहुँचे गल्ला लेने के लिए, हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने तो उनको पहचान लिया लेकिन वो इनको नहीं पहचानते थे। उनको तो ये लगा कि कब के हमने कुएं में डाल दिया, ख़त्म हो गई कहानी, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम मौजूद थे। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने उन भाइयों का गल्ला रोक दिया, कहा बांटने वाले से कि इनको पहले तलब करो, पूछा कितने लोग हैं तुम्हारे घर में, कहा हम लोग हैं, हमारे बाप हैं, हमारे एक भाई हैं, कहा जाओ अपने छोटे भाई को भी साथ में ले आओ, जब तक वो नहीं आएगा तुम्हें गल्ला नहीं दिया जाएगा। वो 10 ने कहा हमारे बाप उनको नहीं भेजते, कहा क्यों नहीं भेजते, कहा हमारे एक भाई के साथ हादसा हुआ था पहले, अब हमारे बाप उस छोटे भाई को नहीं भेजते। यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा जब तक तुम्हारा वो छोटा भाई आएगा नहीं तुम्हें गल्ला दिया नहीं जाएगा। वापस चले आए, बाप याकूब अलैहि सलाम से कहने लगे जो अजीज़ मिस्र का वज़ीर आज़म है वो बड़ा सख्त आदमी है, वो बड़ा सख्त आदमी है, वो गल्ला नहीं देता, आप हमारे छोटे भाई को साथ भेजें। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम के बाप याकूब अलैहि सलाम कहने लगे मुझे फिर खौफ है कि इसके साथ भी तुम कुछ गलत ना कर जाओ। बहुत रोए, 10 ने कहा एक गलती हुई अब गलती नहीं करेंगे, आप भेज दें अल्लाह के लिए। हज़रत याकूब अलैहि सलाम ने भेज दिया। बड़ी मिन्नत समाजत करने के बाद जब ये आए अपने छोटे भाई को लेकर के, गल्ला जब तकसीम हो रहा था, यूसुफ अलैहि सलाम ने सबको गल्ला दिया और छोटे भाई के थैले में सोने की कटोरी डाल दी जिससे तकसीम होता था गल्ला। और उसके बाद वो लोग गल्ला लेकर के बाहर निकले थे, यूसुफ अलैहि सलाम ने ऐलान किया कि शाही ख़जाने की सोने की कटोरी चोरी हो गई है, चेकिंग करो किसके पास है। सारे लोगों के थैले चेक किए गए तो हज़रत बिन्यामीन के पास मिली जो यूसुफ अलैहि सलाम के छोटे भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा पकड़ो इनको, गिरफ्तार करके लाए। अब वो 10 रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हमारी तो मौत आ जाएगी, हम अपने बाप के पास जा ना सकेंगे, छोड़ दें, हम 10 को ले लें, इसको छोड़ दें। यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा नहीं, इसी को हम रखेंगे, इसी को हम रखेंगे और उस वक्त तक हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम अपने बाप को लेकर नहीं आते। अब वो भाई रोने लगे, कहा हमारे बाप नहीं आ सकते, उनकी आँखें नहीं हैं, बुढ़ापा है, बहुत गम में रोते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने पूछा किस गम में रोते हैं, कहा उनका एक अज़ीज़ बेटा इंतकाल कर गया। यूसुफ अलैहि सलाम को रोना आ गया, अपने बाप की मोहब्बत थी कि अब्बा जान इतने सालों से मेरे गम में रो रहे हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपना जुब्बा उतारा और कहा उन भाइयों के हाथ में दिया, कहा जाना अपने बाप के पास इस जुब्बे को दे देना, वो आएंगे ये जुब्बा लेकर के ज़रूर आएंगे, जाओ। ये 10 यूसुफ अलैहि सलाम का जुब्बा लेकर चलने लगे, उस वक्त तक भाइयों को नहीं मालूम ये यूसुफ है। जब वो लेकर के चलने लगे, सुनो कुरान कहता है फलम्मा अंजा अल बशीर, नहीं बल्कि याकूब अलैहि सलाम कहते हैं इन्नी लअजीदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। घर वाले जो बीवियाँ थीं हज़रत याकूब अलैहि सलाम की, वो अकेले थे, आँखें नहीं हैं, अभी ये भाई आए नहीं, रास्ते में हैं घर में। हज़रत याकूब अलैहि सलाम ज़ोर ज़ोर से इधर उधर से चलते और कहते हैं मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा ताकालु तल्लाही इन्नक लफी दलालिकल कदीम, लोगों ने कहा अल्लाह की कसम आप पुरानी मोहब्बत में खोए हुए हैं, कहाँ यूसुफ अभी इस ज़माने में। याकूब अलैहि सलाम कहने लगे नहीं, मुझे मेरे बेटे की खुशबू आ रही है, नबी है जो अपने बेटे की खुशबू सूंघ सकता है। और जब वो जुब्बा लेकर के भाई पहुँचे तो कुरान में अलकाहु अला वजहिही, भाइयों ने वो जुब्बा लाकर याकूब अलैहि सलाम के मुंह पर डाल दिया। अल्लाह फरमाता फरतद बसीरा, उनकी खोई हुई बीनाई वापस आ गई, आंखें वापस आ गई, वो देखने लग गए। अल्लाहु अकबर, कुरान की आयतें शाहिद हैं, एक नबी का जुब्बा दूसरे नबी की आंखें ला रहा है, एक नबी का जुब्बा दूसरे नबी को फायदा दे रहा है, तो फिर नबी का मोए मुबारक उम्मती को क्यों नहीं फायदा दे सकता। नबी के कदम जहां पर लगे वो मिट्टी हमारे लिए शिफा क्यों नहीं हो सकती, यकीनन शिफा है। ये अपने अपने अकीदे की बात है और अपने अपने मोहब्बत की बात है। वो कुरान तो पढ़ते हैं, शायद ये आयत खा जाते होंगे, पूछो इनको याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें वापस कैसे आई थी, वो जुब्बा यूसुफ से आई थी, जुब्बा यूसुफ से आई थी। बहरहाल
याकूब अलैहिस्सलाम चल करके आए भाइयों के साथ। कितने लोग हैं आप? 10 बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, एक बेटे तो वहाँ गिरफ्तार हैं बिन्यामीन। अब जब पहुँचे मिस्र पहुँचे तो याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के साथ खुद बाहर आए। जब याकूब अलैहिस्सलाम आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, वो जमाल जहाँ आ रहा, अपने बेटे को कैसे ना पहचानते। आपने कहा कि अल्लाह ने यूसुफ को मेरे जिंदा रखा, ये यूसुफ है। तो 10 भाई नहीं, 11 भाई पूरे के पूरे सजदे में गिर गए, और याकूब अलैहिस्सलाम भी सजदे में गए, और बादशाह मिस्र भी सजदे में गिरा। और उसके बाद ये सजदा ताजीम का सजदा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, वो अल्लाह के रसूल हैं। जब सजदे से उठे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा बचपन में जो तूने ख्वाब देखा था उस ख्वाब की ताबीर यही है। तूने देखा था कि 11 तारे मुझे सजदा कर रहे हैं, वो 11 तारे ये तेरे भाई हैं, इन्हें आज तू माफ कर दे। और जो चांद तूने देखा था वो अजीज मिस्र है, और सूरज जो तुझे सजदा कर रहा था वो अल्लाह का नबी याकूब है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन के ख्वाब की ताबीर यहां मुकम्मल हुई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो नबी को तकलीफ दिए थे, और नबी को तकलीफ देने वाला माफ नहीं होता। नबी के साथ धोखा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। तो अक्सर ये देखा है कि नबियों को ईजा देने वाले माफ नहीं होते, लेकिन ये एक ही तारीख का हिस्सा है, नबी को कुएं में डाले लेकिन फिर भी माफ हुए, फिर भी माफ हुए। कितना बेहतरीन नुक्ता बयान किया हकीम अल उम्मत ने। वजह यह थी कि इन्होंने जो किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो गिराया था, एक नबी को तो गिराया लेकिन दूसरे नबी से करीब होने के लिए किया था, याकूब अलैहिस्सलाम से करीब होना था। ये इनकी खता भी किस काम, किस के लिए थी? भाइयों की ये जो खता थी अपने भाई के साथ, वो याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी हैं, एक नबी से करीब होने के लिए यहाँ खता हुई। फरमाया गया नबी से करीब होने के लिए जो खता हुई वो अल्लाह के यहाँ माफ़ कर दी जाएगी, अल्लाह के यहाँ माफ़ कर दी जाएगी। अल्लाह करीम सूरह यूसुफ के इस पूरे किस्से में हमें अल्लाह ताला हमारी जिंदगी आता फरमाए, हमें हमारी औलाद को बेहतरीन सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, रोजाना नए नए बयानात के लिए उन्नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास शाबान की रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाएं। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी रात है, उन्होंने कहा कि ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने उसके साथ किसी को उसका शरीक नहीं ठहराया, बशर्ते कि वो जादूगर ना हो, सूतखोर ना हो, शराबी ना हो। अल्लाह ताला इन लोगों की बख्शिश उस वक्त तक नहीं फरमाता जब तक वो तौबा ना कर लें। फिर जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आए और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाएं। आपने ऐसा ही किया तो देखा कि जन्नत के दरवाज़े खुले हैं और पहले दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात को रुकू किया। दूसरे दरवाज़े पर एक और फ़रिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाज़े पर एक और फ़रिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उन लोगों के लिए जो इस रात में ज़िक्र इलाही करे। पांचवे दरवाज़े पर एक और फ़रिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उन लोगों के लिए जो इस रात में अल्लाह ताला के खौफ से रोए। छठे दरवाज़े पर एक और फ़रिश्ता पुकार रहा था, इस रात में तमाम मुसलमानों के लिए खुशी हो।
सातवें दरवाजे पर एक और फरिश्ता पुकार रहा था कि कोई मांगने वाला कि उसकी आरजू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाजे पर एक और फरिश्ता पुकार रहा था कि कोई मुआफ़ी का तलबगार है कि उसके गुनाह मुआफ़ किए जाएं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि ऐ जिब्रील अलैहि सलाम, ये दरवाज़े कब तक खुले रहेंगे? तो हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने कहा कि नमाज़े मगरिब से लेकर नमाज़े फजर तक।